वन कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी पार्टी के नेक्स्ट डे वाला ये ब्लॉग है। सुबह हम लोग उठ गए हैं, रेडी भी हो गए, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि 11 बजे फिर निकलना है हमें होटल से। और मैं पहन ली हूँ सूट, बिकॉज साड़ी पहन पहन के बोर हो गई थी, सूट तो पहना ही था। सारे लोग चले जा रहे हैं हम नीचे धीरे धीरे, और हम लोग भी चल रहे हैं नीचे। चलिए, हो गया ना, यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग। अभी कोई नहीं आया है कि सब लोग कर लिया? ये लोग कर लिए, जो लोग उठ रहे हैं वो कर लिया। किसी को नाश्ता रेडी हो चुका है और हम लोग नाश्ते के लिए आ चुके हैं, और नाश्ता काफ़ी सुंदर है। इसमें वेज नॉन वेज तो मिक्स नहीं ना है, ये कंफर्म कर लेना है। तो अभी ये सब आइटम हम लोग ले चुके हैं, और सांभर है, इडली है, और भी बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा सब लिए हैं। और ये कैमरामैन बनी हुई हैं। कैसा है टेस्ट, कैसा है इडली सांभर का? बहुत अच्छा है। राजेश भाई बताइए कैसा है व्यवस्था? आइटम बहुत ज़्यादा है, अंडा खाकर मज़ा आया। बहुत बहुत बढ़िया। अब विजय भाई कौन है विजय? कैसा लग रहा है? बढ़िया। सभी लोग आ चुके हैं। जाना है को सब चेक हुआ है, बनाना का है टेस्ट सबका बता देंगे। अब सबसे बढ़िया खीरा वाला है पीना। खीरा वाला सबसे बढ़िया खीरा वाला है। मिथुन भाई अब हम लोग जो है कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे घर जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा, तो कैसे जाना है अभी आपको? हम लोग को इटावा जाना है। अच्छा, तो किस रास्ते जाइएगा? अब देखते हैं, बक्सर होके या फिर गोपालगंज होके। बक्सर होकर जाते हैं तो जरूर हम लोगों से मुलाकात कीजिएगा। वहीं के पास में ही है, हम लोग यहाँ से जाइएगा, जरूर याद करेंगे। बक्सर होकर जाएंगे तो जरूर स्टे करेंगे। बिल्कुल, इंटरनेशनल चीजू आप भी जाने वाले हैं? हाँ, देखते हैं हम लोग का क्या प्लान है। हम लोग अभी निकलेंगे इटावा के लिए, जाना है हम उसके घर। क्या प्लान होता है, कैसे होता है, बट बहुत मजा है चंदन भाई। आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम लोगों के चक्कर में हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों के पास नहीं, हमारे चक्कर में हमारी मैम आ रही है। अच्छा, आपके चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं। सही है, ये है माहौल को जमाने वाले, माहौल को जमाने वाले ये, सॉरी सचिन भाई। सचिन मनीषा नसीम मनीषा कहते रहते हैं ना लोग। और ये रुद्र भाई जिनसे हमेशा मुलाकात होती है। सबसे अच्छा लगा मेरे पास, ठीक है, खाइए आप लोग। ये देखिए अंडा लेकर बैठा है। हम लोग प्योर वेज है, नॉनवेज खाते नहीं है। सर को पता नहीं अंडा क्या होता है, मतलब उनको लग रहा है बॉल है, खेलने के लिए वो अंडा मांग रहा है। चलिए आइए, आए बेटी आओ। तो काफी इंटरेस्टिंग गाइस हमारे विजय भाई, इनसे मुझे अच्छा लगा मिलके। अभी बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और मैम लोगों के चक्कर में हम लोग भी मिल लेते हैं आप लोगों से, और अच्छा लगता नहीं, है। ये तो पूरी ब्लॉगिंग करते हैं। नहीं, ये तो करते हैं, लेकिन हम लोग मिल ले रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों के चलते काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, ठीक है।
और आगे भी कई लोग हैं जिनसे आप लोगों को मिलाया जाएगा, ठीक है। क्रियांश बाबू कहाँ गए बाबू? तो अभी हम लोग जो है मंदिर वाले एरिया में जा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये। अभी दिन में जो है हम लोग सारा एरिया दिखाएंगे आप लोगों को। और क्रिकेट मैच चल भी रहा है यहाँ पे, अभी लग रहा है कि लंच हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा। रुक जाओ हम बनाते हैं, तो ये खाली लिए रहती है ऐसे। रुक जाओ ब्यूटी, रुको। हटे हटो लेना हटे नजरिया, जन मारे जन मरूम कलर सड़िया, ठीक है। हाँ जिम भैया हटाई, अंडे को अंदर से घूम रहा है। तो ये यहाँ का काफी खूबसूरत और प्यारा शिव मंदिर। कहाँ है? अच्छा पीछे है। लो तुमको बुला के वही लोग भूल गए। तो गाइज यहाँ पर ना टेंपल वाला एरिया था ये, तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी घूमने के लिए। बार बार वहाँ के जो भी स्टाफ वगैरह थे बोल रहे थे आप लोग जाकर के उधर घूम लीजिए। तो मैं प्रियादीप दी और वो जेसिका दी इधर आई थी, तो प्रियादी फ़ोन की कि आ जाओ तुम भी इधर, तो मैं तो आ गई लेकिन मैं ही पहले आ गई और वो लोग रास्ता इधर उधर भूल गए थे, क्योंकि ये बहुत दूर में है और बहुत ही अजीब सा हम लोग के लिए। तो पहली बार गए थे तो रास्ता पता नहीं था, थोड़ा सा उन लोगों को टाइम लगा आने में। तब तक मैं वेट कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तो मैं सबसे मिली, पर्सनली मुझे सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट भी हो गए हैं, कुछ लोग जैसे आप लोग बोलते हो कमेंट में ये नहीं बात करते हैं वो नहीं बात करते, उन सबका रिप्लाई मैं दूंगी लेकिन मैं थोड़े टाइम के बाद दूंगी। आज मैं जो बताने वाली हूँ वो पहले बता दूँ आप सबको। यहाँ पर हम लोग इतनी अच्छी अच्छी रील्स फ़ोटो पोस्ट सब कुछ मतलब इतने अच्छे से किए थे ना, इतना मस्त एंजॉय हुआ यहाँ पे ही नहीं मतलब पूरा ये दो तीन दिन का जो भी हमारा टूर रहा सब कुछ। लेकिन गाइज मैं बता दूँ कि मेरा ना जिया के घर जाना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं वही कटिहार ही गई थी। जब मैं वहाँ से आई पटना स्टेशन पे, जैसे ही मैं चढ़ी आते वक्त मतलब कटिहार से बहुत ही अच्छे से मैं आई, जैसे ही पटना स्टेशन पे पहुँची मैं, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पैकेट में मेरे दोनों फ़ोन था, मेरा आईफोन था और उनका भी आईफोन था, और जो मेरा दो फ़ोन था सैमसंग वाला वो मेरे पर्स में था। एक चोर आया पीछे से और मेरे हस्बैंड जैसे ही एंट्री किए ट्रेन में घुसे, वहाँ पर चोर ने मेरा आईफोन ले लिया। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ट्रेन में आज मेरा आईफोन चोरी हो गया। जितना हमारा यहाँ पे मस्ती हुआ एंजॉय हुआ उसके मतलब अपेक्षा मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमने कैप्चर की, बहुत सारे लोगों से मिली, सब घूमी, फ़ोटोज़ वीडियो सब मेरे आईफोन में था। अभी आपको पता है 3 महीने पहले ही मैं आईफोन ली थी, इतना महंगा 1.5 लाख का फ़ोन था, 1.5 लाख से भी ज़्यादा का फ़ोन था, लेकिन किसी न किसी कारण से जो भी हो अब बैड लक था हमारा, उधर से आते वक्त ट्रेन में वो फ़ोन चोरी हो गई। और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग वैसे हैं भी नहीं तो सोच भी नहीं सकते कि ये सब चीज़ें भी हो सकती, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। हस्बैंड मेरे पैकेट में रखे थे और पॉकेट में रखते ही वो फ़ोन कोई आया और निकाल के लेके चला गया। उससे कुछ देर के बाद उनसे बोली मैं कि अपना फ़ोन मेरा फ़ोन दीजिए, तो फ़ोन ढूंढने लगे, फिर पता चला फ़ोन तो है ही नहीं। उस तुरंत हम लोग कॉल किए तो स्विच ऑफ आने लगा, उसी टाइम पता चल गया हम लोगों के फ़ोन चोरी हो गई। बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ और अच्छे से बताने वाली हूँ। फ़िलहाल आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय करो। Thank you.
ये पहले ही बोल नहीं, आप लोग सुनिए ना, आप लोग उधर से आइएगा, उधर से आप लोग आइएगा बक्सर में, हम लोग साथ हो जाएंगे सारे लोग। क्या करूँ मैं, चप्पल चोरी हो गया। अच्छा है, जीजू के साथ होना चाहिए, इंटरनेशनल जीजू है, जूता चोरी हो चुका है। आप सभी साधारण मंत्री का गलती से मिला है तो गलती से मिला है।